देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद है और यहाँ पर मेरे पीछे देख सकते हैं कितनी भारी संख्या में भारतीय मजदूर संघ से बहुत से लोग यहाँ पर उपस्थित हैं अपनी मांगों को लेकर। इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या इनकी मांगे, आज क्यों यहाँ पे आए हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मालीराम स्वामी है, मैं राजस्थान। किस लिए आया हूँ यहाँ पे? आज हमारे जो ग्रामीण डाक सेवकों का जो बहुत अन्याय हो रहा है, ग्रामीण डाक सेवक 8 से 12 घंटा नौकरी करे, जो वेतन दिया जा रहा है 5 घंटा का दिया रहा है, जो हमारे जो पे स्केल 1234 वो भी लागू नहीं करे, उन्हें ग्रामीण डाक सेवक नियमित कर रहा है। इसके विरोध में ग्रामीण डाक सेवक हर गांव में एक शाखा डाकर है, उसके विरोध में धरना देने हैं। इसकी शिकायत करी आपने कहीं पे? हमने कई दफा पिछले 30 साल से हम रेगुलर हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार को सबको पता है भाई, ग्रामीण डाक सेवक शोषण हो रहा है। जो केंद्र सरकार की जो भी स्कीम है उसके द्वारा हम कार्य किया जाता है, जैसे नरेगा मानो, पेंशन योजना मानो, सुकन्या समृद्धि योजना, बचत योजना, सभी कार्य हम करते हैं। 30 साल से आप लोग धरना कर रहे हैं, तो कोई सुनवाई हुई अभी तक? काफी, मैं जब अनुकंपा नियुक्ति में थोड़ा संशोधन और मैं नहीं हुआ है। संतुष्ट नहीं आप अभी तक? सर नहीं अभी, क्योंकि जब तक हमारे ग्रामीण डाक सेवक नियमित नहीं करेंगे तब तक हमारा जारी रहेगा अभियान। और लोगों से बातचीत करेंगे सर आपका? हाँ सर, ये तो 200 के ऊपर हुआ है, ये फैक्ट्री 41 फैक्ट्रीज है, ये सारों को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का तो शुरू किया है। आज तक हमारे सेफ्टी के लिए, वही तो हमारा देश का भविष्य के लिए, तो 41 फैक्ट्रीज तो रखा है, लेकिन आज इसको बंद करने के लिए चाहते हैं और कॉर्पोरेशन करने चाहते हैं। इसको रोकने के लिए इधर इतना कर्मचारियों तो खड़ा हुआ है, और इसमें एक और भी एक मुद्दा है कि एनपीएस को रोकने के लिए और रद्द करने के लिए तो बोला है, लेकिन अभी तक इसको ऊपर नहीं हुआ। और मिनिमम गारंटी पेंशन, अगर एनपीएस को रद्द करना है, अगर नहीं है तो मिनिमम पेंशन, गारंटीड पेंशन तो देना है, इसके लिए इधर हम लोग मौजूद है। थैंक यू। आप सब लोग एक ही जगह से हैं, अलग अलग राज्यों से? अलग अलग जगह से आए हैं, चेन्नई का कई जगह है, तमिलनाडु में 5 फैक्ट्री है, और भी कारखानों से आदमी आया हुआ है। क्या अगर आपकी मांगे सरकार नहीं सुनती है, तो आपके अगले कदम क्या होने वाले? अगले कदम तो इससे जोर प्रदर्शन करेंगे हम लोग, जो अगला कार्रवाई के लिए जाएंगे, जो हड़ताल भी करने वाला है। तो जैसा कि हमने यहाँ पर कुछ मौजूद लोगों से बातचीत करी, इन्होंने, इनका साफ कहना है कि जो इनकी मांगे हैं, सरकार 30 साल से धरना कर रहे हैं लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से कोई सुनवाई नहीं हो रही और इनको कोई संतुष्टि नहीं मिल रही, और इनके अगले कदम होंगे कि ये धरना अपना उग्र करेंगे और हड़ताल पर उतारू होंगे। फिलहाल और भी कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर आपका नाम? मुरुगन। मेरा नाम तो मुरुगन, मैं चेन्नई आवड़ी से आएगा, हिंदी तो हाँ जी, हम लोग चेन्नई आवड़ी से आ रहे हैं, एच ओ फैक्ट्री से। गवर्नमेंट ऐसा सभी कामगारों को ऊपर नुकसान कर रहा है, काम को सेफ्टी नहीं दे रहा है काम करने के लिए। एनपीएस का पूरा सा रद्द करने का, हम लोग को ओल्ड पेंशन देने का, यही बड़ा मुद्दा से हम लोग देश में पूरा देश से कन्याकुमारी से कश्मीर तक इतना कामगार हो बीएमएस का, सभी लोग इधर एक हो गया था, यही अपना को बड़ा मुद्दा। एनपीएस का रद्द करो, कॉर्पोरेशन को रद्द करो। एनपीएस को रद्द करना आपका मेन मुद्दा है? यस, मेन मुद्दा। कॉर्पोरेशन भी, कॉर्पोरेशन और प्राइवेटाइजेशन को मॉडल, ऐसा गवर्नमेंट पॉलिसी सब है ना, गलत डिसीजन ले रहे, वो देश के लिए, देश का सुरक्षा के लिए अच्छा नहीं है, वो रद्द करने के लिए हम लोग इकट्ठा हो गए। और आप बताइए? मेरा नाम मनोज कुमार है। सबको पता है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में, जो डिफेंस सेक्टर में और पूरा देश में एनपीएस लेके आया, एनपीएस का मतलब क्या है, पूरा वेस्ट सिस्टम है। इसमें क्या है कि पूरा शेयर मार्केट में डाला हुआ है, सबको पता है कि शेयर मार्केट में क्या हुआ, बीच में पूरा डाउन हो गया, इसके वजह से अभी इतना गारंटी नहीं दे पा रहे, तो और 10 साल के बाद क्या होगा, 10 साल के बाद पूरा ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि शेयर मार्केट में गारंटी नहीं है। ऐसा वाला एक सिस्टम को लेके आके, एनपीएस में लेके आके सबको दबा रहा है। दूसरा क्या है कि अगले 2 साल में पूरा के पूरा यंगस्टर्स ही है, ओल्ड पेंशन तो पूरा गया, ओल्ड पेंशन वाले सभी रिटायरमेंट हो जाएंगे, उनको गारंटी नहीं है। दूसरा पूरा एनपीएस और कारपेट लेके आके, कारपेट में क्या हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, कोई प्रोडक्शन नहीं, पूरा डाउन कर दिया। ये सिस्टम हटाना है और एनपीएस को हटा के ओल्ड पेंशन स्कीम को लेके आना है, ओपीएस को वापस लाना और एनपीएस हटाना आपकी मांग है, और इतनी भारी संख्या में आप लोग यहाँ मौजूद हैं। अगर सरकार आपकी मांगे फिर भी नहीं सुनती, तो क्या आप आक्रामक रूप धारण करेंगे आपका धरना? अगला स्टेप लेंगे और इससे ज्यादा दिखाएंगे कि हम लोग क्या कर सकते हैं। हड़ताल होंगे, हड़ताल करेंगे हम। अब ये भी नहीं सुनते तो अगला कदम आगे बढ़ेगा, तो हड़ताल ही होने वाला है। तो ये जो हमारा बीएमएस फेडरेशन है और बीएमएस है, उन लोगों का जो भी फैसला है उसके हिसाब से हम करेंगे। आखिरी मैसेज सरकार को क्या देना चाहेंगे हमारे बच्चे? मैसेज यही है, आपने 1 साल से तो प्राइवेट कॉर्पोरेट करके 41 फैक्टर्स को अलग अलग 7 ग्रुप बन के प्रोडक्शन करने के लिए आपने तो एक तरीका निकाला था, बोला था तो मॉडर्नाइजेशन करने का, और नया नया तो करने वाले हैं, लेकिन 1 साल के अब तो खत्म हुआ था अक्टूबर तक, एक भी अभी तक 7 फैक्ट्री के लिए अभी प्रोडक्शन के लिए इनके लिए इनपुट भी नहीं दे सकता था, यही तो हाल है। ये कॉर्पोरेशन करने में कोई फायदा नहीं है, इसको हमने पहले ही बोला था, ऐसे करने में हमारा देश के लिए तो बहुत बड़ा नुकसान ही होगा, वो भी बिल्कुल हमारा आर्मी वालों के लिए तो बहुत बड़ा
बड़ा नुकसान है क्योंकि टाइमली हमको उसका स्पेयर या टाइम कुछ भी नहीं दे सकता। इनको बदलना है तो जो पहले था मॉडर्नाइजेशन करना है, जितना भी वर्कलोड देना है वो पहले वो तो कंफर्म करना है, उसका बद ही करना है। शुक्रिया हमसे बात की सुनने के लिए। तो यहाँ पर जितने ही मौजूद लोग हैं हम इनसे बात करी, इन्होंने बताया कि इनकी मांगे हैं कि एनपीएस को बंद किया जाए और जल्द से जल्द ओपीएस स्कीम को लागू किया जाए। फिलहाल देखना होगा सरकार इनकी मांगे कब तक सुनती है। दिल्ली से कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ खबर टुडे न्यूज़ के लिए विशाल सिंह की रिपोर्ट।